सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। अभी थोड़ी सी आप लोगों को जो है चेहरा वो ठीक नहीं दिख रहा होगा। अभी क्या है कि पूरा सेटअप नहीं हो पाया है, एक दो दिन में आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारे न्यू बैचेज हमारे चालू हो चुके हैं, तो जिसको भी प्रॉपर तैयारी करनी है क्लास ज्वाइन कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपका सुविचार, आज का सुविचार जो है, अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है, अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। मेहनत रूपी चाबी को अगर नहीं घुमाएंगे तो सफलता के द्वार नहीं खुल सकते। तो सफलता के द्वार खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत रूपी चाबी को घुमाना पड़ेगा, तभी उसका द्वार खुल सकता है। कविता मैम गुड इवनिंग, किरण जी नमस्कार, मैम गुड इवनिंग, झा परिवार जी नमस्कार, मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं आप भी ठीक होंगे। दिव्या कृष्णा मैम नमस्कार, मैम गुड इवनिंग, और शैतान सिंह जी नमस्कार सर, गुड इवनिंग, क्या हालचाल है आपकी, तबीयत वबीयत ठीक है, कैसा लगा आप लोगों का आज का थॉट? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कह दीजिएगा वाह क्या बात है। ठीक है, देखिए लाइक आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कितने कम है, तो लाइक के लिए मैं सभी से कहूंगा, साक्षी मैम, राधे राधे मैम, और साक्षी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के द्वारा ये जो है आज का जो आपका सुविचार दिख रहा है वो सभी इन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। रवीना मैम नमस्कार मैम, चलिए आज करते हैं शुरुआत। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं, या आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन शायद इतने सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं देखे होंगे। सुनू मैम नमस्कार मैम, आदर्श सर नमस्कार सर, खुश रहिए। देखते हैं आज जीत का सेहरा किसके सर पे बनता है। पूर्व मध्य काल में के ग्रंथ संगीत रत्नाकर में किस ताल को मठिका ताल बताया गया है, तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। और आज ये पीडीएफ हमारी 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार हो चुकी है, अगर किसी को ये चाहिए तो मात्र 30 रुपए की एक पीडीएफ है। ऐसे हमारे पास मॉडल पेपर जो है वो, शैतान सिंह जी नमस्कार सर, क्या हाल चाल है, और अवीना जी सभी को एक बार फिर से तो बताइए, मठिका ताल के नाम से कौन सी ताल जानी जाती है, ये आपको बताना है। विजय ताल, मागध ताल, श्रुति ताल या ब्रह्म ताल। रंगोली मैम जय श्री कृष्णा, क्या हाल चाल है भाई, जय श्री राम। हाँ आदर सर मैं भेजूंगा यार, याद नहीं रहता है, सॉरी सर, है ना। तो इसका सही आंसर बताएं, और रवीना मैम, रंगोली जी, सुनू मैम, आपको क्या सर, आदर सर एक कोर कमेंट सर, आपको ऊपर क्या लिखा आपने। हाँ नमस्कार, खुश रहिए भाई। हाँ आरपीएससी वाला मैं भेज दूंगा ना, ठीक है। और ये इसका सही आंसर होगा श्रुति ताल, और तीन योद्धाओं ने आज इसका सही आंसर दिया पहले ही क्वेश्चन का। रवीना मैम, रंगोली जी, हाँ रुचि मैम नमस्कार मैम, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, माँ सरस्वती का आह्वान स्वर की देवी के रूप में प्रथम बार किस ग्रंथ अथवा वेद में किया गया था, बताइएगा, ब्राह्मण, आरण्यक, ऋग्वेद या सामवेद। किसके अंदर माँ सरस्वती का आह्वान स्वर की देवी के रूप में पहली बार किया गया था, यह आपको बताना है। देखते हैं किनका सही आंसर आता है। शैतान सर मैंने सोचा आप थोड़ा आरपीएससी वाला ही लेवल लेकर चले अपन,
आदर सर ने दो आंसर बताए, दूसरा और तीसरा। ऐसे नहीं होता भाई, एक आंसर बताइए क्या हो। अच्छा मैम, बहुत बहुत बधाई हो, आपको गाड़ी ले ली आपने, मिठाई भी नहीं खिलाई, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तीन है और कोई बाकी लोग भी आंसर दे। कुछ बच्चे तो पता है ऐसे क्वेश्चन देख के भाग जाते हैं। देखिए अगर कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा और समय पे आना पड़ेगा। जिनको नहीं सीखना है और वही सीधे सीधे क्वेश्चन देखने हैं तो फिर आराम से आप कहीं भी जा सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ, हाल ही में जो 100 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें से एक भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, कोई भी किसी पेपर से या किसी जगह से नहीं लिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है, सुनीता मैम नमस्कार मैम, बताइए इसका क्या होगा। नहीं, इसका आंसर आदर्श सर ने पहले सही दिया था लेकिन कंफ्यूज में इन्होंने गलत किया। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ में जो है सबसे पहले मां सरस्वती का आह्वान स्वर्ग की देवी के रूप में पहली बार किया गया था। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। सही अर्थों में वैदिक सामों का, यानी वैदिक वेदों में जो साम साम है उनका प्रयोग एवं व्यवहारिक रूप में हमें किस ग्रंथ में देख, यानी उनका प्रयोग सही तरीके से किसमें, साम जो थे, सामगान जो थी और उसके जो ऋचाएं आदि का प्रयोग जो है, कह सकते हैं सामों का प्रयोग एक प्रॉपर तरीके से व्यवहारिक रूप से जो है किसमें किया गया था, कौन से ग्रंथ या वेद में किया गया था। सामवेद, पुराण, ब्राह्मण या पारण। कविता मैम क्वेश्चन का नंबर जरूर लगाए, और सभी से बोलूंगा, कविता मैम से नहीं सभी से कहूंगा क्वेश्चन का नंबर लगाए। गाड़ी डीपी लगा रखी है आपने, ऐसा लग रहा है बस कार की डीपी लगा रखी। सपना मैम भी आ गई है, सपना मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेंद्र सर नमस्कार सर, काफी दिनों से कहाँ, मतलब अभी एग्जाम क्वालिफाई की खुशी में अभी झूम रहे हैं अभी, है ना, अभी बाहर नहीं आए। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में जो है सही अर्थों में वैदिक जो साम जो थे, सामों का प्रयोग व्यवहारिक रूप से किया गया था, ये ब्राह्मण ग्रंथों का। और इसमें किस किस का, शैतान सिंह जी का, बहुत बहुत बधाई हो शैतान सिंह जी, और रवीना मैम, क्या नाम इनका, सुन्नू मैम, इन सभी का सही है और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। अगला क्वेश्चन, गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म आत्मा और जगत के विषय में रहस्य जाना जाता है, उस ज्ञान को कहा क्या कहा जाता है, या उसी ज्ञान को या उसका ज्ञान को क्या कहा जाता है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या वेद, क्या कहा जाता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं सर, वो भी जरूरी है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वीकली टेस्ट हमारे चालू हो चुके हैं, और वीकली टेस्ट की अगर मान लीजिए आपको कंटिन्यू रखना है, वैसे तो चलेंगे भी, लेकिन उसके लिए हमने जो है आपको हमारे चैनल का जो है मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर होगा, सभी आपको मिलेंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है जो वीकली टेस्ट इस बार का यानी कल संडे का, तो वो टेलीग्राम पे जाए और टेलीग्राम पे जाकर के वो जो है एक बार जरूर दे और उन क्वेश्चंस को देखे, आपको मजा आएगा। और उसके साथ ही मॉर्निंग में 7 बजे हमने जो है क्विज चालू की है, आज से ही, मंडे से चालू हुई है। रोज आपको 5 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको वो क्विज देनी है
तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैंने अभी तक नहीं दिया, शायद आपके कमेंट्स बॉक्स में नहीं है, मैं अभी आपको लिंक भी दे देता हूँ। तो ये लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, जिससे क्या है कि आप रोज क्विज दे सके, ठीक है। और इसका इस क्वेश्चन का आंसर तो भाई सभी का बहुत ही बेहतरीन रहा, सभी ने कहते ना झंडे गाड़ दिए भाई। वाकई में इसका सही आंसर बिल्कुल है उपनिषद में, उपनिषद जो है इसके अंदर क्या। तो आप लोग रिव्यू भी दे सकते हैं वहां पर, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो भी आप बता सकते हैं। टेलीग्राम चैट ग्रुप है, चैट ग्रुप में आप उसके बारे में बताएं कैसे क्वेश्चन है, कैसे लगे। राजनी मैम गुड इवनिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपनिषद, गुरु के निकट बैठ करके ब्रह्म और आत्म जगत की जो है विषय में जो रहस्य जाना जाता है उसे उस ज्ञान को उपनिषद कहा जाता है ना। उप का मतलब होता है पास में, निषद का मतलब होता है सही रूप में प्रॉपर तरीके से बैठ करके जो ज्ञान लिया जाता है उसी को उपनिषद कहा जाता है। गंधर्व और अप्सराओं को या अप्सराओं का गंधर्व और अप्सराओं का संबंध किस स्वर से ब्राह्मण ग्रंथों ने बताया, यानी ब्राह्मण ग्रंथों में अप्सरा और गंधर्वों का जो संबंध है वो कौन से स्वर से बताया है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर बताया कुरुष स्वर, प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर या अतीत स्वर, किससे इसका संबंध बताया है बताया। गंधर्व अप्सराओं का संबंध किस स्वर से ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। और सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। आदर्श सर, अब मैंने यही सोचा कि कुछ नया ही करा जाए। आपको बता दूं, देखिए पहला जो स्वर है कृष्ट, कृष्ट का किससे बताया है, देवताओं से। ठीक है, द्वितीय स्वर जो है इसका सही आंसर होगा, द्वितीय स्वर जो है इसका अप्सराओं से संबंध बताया गया है। अप्सरा और अतिस्वारी जो स्वर है इसका जंगल या जड़ जो होते हैं उससे बताया गया है। आगे अपन और क्वेश्चन देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में किस स्वर का संबंध मनुष्य के जीवन के साधन के समान, ब्राह्मण ग्रंथ में किस स्वर का संबंध मनुष्य के जीवन या जीवन का साधन से बताया गया है, पंचम, प्रथम, चतुर्थ या कृष्ण। इन क्वेश्चन से वाकई में दिमाग की बत्ती जलती है मेरा मानना है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं सर बहुत टफ क्वेश्चन है या सही नहीं आ रहा है या ऐसे क्वेश्चन नहीं चाहिए, वैसे ही केवल चाहिए तो आप मुझे बता देना। क्वेश्चंस कोशिश ये करता हूं कि आपको सभी प्रकार यानी सभी टॉपिक्स से हो। तो ब्राह्मण ग्रंथों में किस स्वर का संबंध मनुष्य के जीवन से बताया गया है, तो ये सभी का आंसर वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, प्रथम से, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नहीं आदर सर ये भी गया आपका, तो ये भी गया, पंचम का भी बताएंगे। पंचम स्वर का संबंध ब्राह्मण ग्रंथों में किस स्वर से बताया गया है, औषधि और वनस्पति के जीवन का साधन, पितरों और अंडज से जो उत्पन्न होते हैं उनसे उनका, या फिर देवताओं के जीवन से या असुर और राक्षसों के जीवन से। हाँ
योगेंद्र सर देखिए, इसीलिए मैंने, देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए नहीं आए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप लोगों के ज्ञान जो शास्त्र का ज्ञान है वो यहां से थोड़ा सा गहन होना शुरू हो जाता है, ये है। और हमें कुछ नया सीखना, गहन अध्ययन करने के लिए ही हम बैठे हैं। तो पंचम का संबंध किससे है, ब्राह्मण ग्रंथ में किससे बताया है? असुर और देव, असुर और राक्षसों से बताया है। औषधि और वनस्पति की बात की जाए तो ये निषाद से, मैंने भी बताया था ना, जंगल से, जड़, तो इसका संबंध किससे है? निषाद से। जी, तो इसका देवताओं के जीवन से मैंने बताया किससे है, गृष्ट से है ना। निषाद का मतलब अतिश वाले। सायण ने तूणों की संज्ञा दी है, सायण ने जो है, जी सायण ने तूणों को क्या संज्ञा दी है ये आपको बताया, वेणु, दुदुभि, शंख या उपरोक्त। ऋत्विक सर नमस्कार सर, क्या अच्छा लगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सुबह से बैठता हूं तो करीबन 2-3 बज जाते हैं मुझे 20 क्वेश्चन बनाने में। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए और 5 मिनट में हो गया काम चल रहा है भाई। क्वेश्चन लाएं तो फिर ऐसे लाएं कि आप लोगों को लगे कि हाँ सही है। देखिए अगर हम देखा जाए, तूणों क्या बोलते हैं, तूणों का मतलब पता है किसको बोलते हैं? तिल्ली। तिल्ली का मतलब लकड़ी से संबंधित है। तो जिन्होंने भी, देखिए यहां पर अभी तक मैंने देखा रवीना मैम का एक सही आंसर आया, बाकी सभी का गलत है। देखिए दुधुभि से तो इसका संबंध हो ही नहीं सकता, दुधुभि काष्ठ से थोड़ी बनती थी, यानी लकड़ी से थोड़ी बनती थी, या तो भूमि दुधुभि थी और दूसरी जो दुधुभि थी वो भी किसी उससे बनाई जाती थी। तो मेरे को जहां तक है इसका इसका सही आंसर होगा वेणु। वेणु का मतलब क्या होता है, बांसुरी के समान। तूणम जो है, तूणों को किसके समान माना गया है, बांसुरी के समान। वेणु या वीणा वाला वेणु नहीं है। अब तो कही गया कविता मैम, अब तो इसका आंसर केवल एक रवीना मैम ने दिया है। जी दूधू भी क्या है, मिट्टी से बनी होती थी और मिट्टी से बना करके उसके ऊपर उसको रखा जाता, वो बनाया जाता था ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वेणु। और तूणव कहते हैं तिल्ली, तूणव मतलब बांस से या उससे बोल सकते हैं, लकड़ी से संबंधित है ना, तो बांसुरी से संबंधित है वेणु इसका सही आंसर। बाबू जोत सिंह पखावजी किनके सम्मुख वादन किया करते थे, यानी कि इनकी जो है आराध्य देवी या आराध्य देवता कौन थे? वीणा, पाणी, माँ सरस्वती, माता काली, काल भैरव या प्रणव, क्या होगा बताएगा। बताइए भाई सही आंसर क्या होगा। लेकिन मेरे पास जो मैंने जो बनाया है इसका सही आंसर है वीणा, पाणी, माँ सरस्वती के साथ। जो माता काली की बात हो रही ना,
माता काली के सामने कौन करते थे? भैरव साहे जी। भैरव साहे जी जो है माता काली के सामने करते थे, काल भैरव के नाम से उनको मतलब भैरव को, भैरव साहे जी को उनके पर्सनालिटी भैरव जैसी थी इसलिए उनको भैरव के नाम से जाना जाता था, माता काली के सामने नहीं करते थे। ये वेड़ा पाणी माँ सरस्वती के सामने करते थे, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन ताल से रिलेटेड, महासेन ताल कितनी मात्रा की ताल है? 14, 18, 20, 22। जी शिवानी मैम नमस्कार मैम। कल और ऐसे ही तालु से रिलेटेड, कल मैं क्या है कि कुछ ज्यादा तालु से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अरे सर वेट करिए, वेट वेट वेट, आदर सर आपकी दिल की बातें हमारे दिन में सुबह ही पता चल जाती है इसलिए मैंने कोशिश की है। महासेन ताल कितनी मात्रा की है? 20 मात्रा की ताल है। इसका जो है किसने, कविता मैम ने इसका सही आंसर दिया और कंफ्यूजन में ऋत्विक सर ने भी दिया है, ऋत्विका मुखर्जी सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा, हाँ गजेंद्र सर नमस्कार सर, तो इसका तीसरा ऑप्शन छे। परवेश हथेली का संबंध किससे है? सन्निपात, सशब्द क्रिया, संपा या किसी से भी नहीं? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखते हैं किस किस का होता है। हाँ रवि प्रभाव जी स्वागत है, वाह क्या बात है रंगोली मैम, दिल जीत लिया आपने। इसका सही आंसर होगा किसी से भी नहीं, ये बात है तब आता है मजा, लगता है कि हाँ बाकी सभी का गया। अरे भाई इसमें जो तीन ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन किससे हैं? देखिए संपा का मतलब होता है दाहिने हाथ से आघात करना और प्रवेश और हथेली जो है ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है निशब्द क्रिया से। किससे है? निशब्द है ना, इसका किससे है? निशब्द क्रिया से। और संपा का मतलब क्या होता है? संपा का मैंने बोला दाने हाथ से आघात करना और सनीपात का होता है दोनों हाथों से एक साथ आघात करना, ठीक है। और जो प्रवेश या हथेली की बात हो रही है इसका मतलब होता है अधोमुख यानी अधो यानी ऊपर की तरफ मुख करके उंगलियों को संकुचित करना, सिकोड़ना, उंगलियों को सिकोड़ना और ये निशब्द क्रिया के अंतर्गत आता है।
ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि एक रंगोली मैम का सही हुआ, बाकी सब गए आउट। अगला क्वेश्चन, ये तो लड्डू है आप लोगों के लिए। शास्त्रों में सशब्द और निशब्द क्रिया के कितने कितने प्रकार माने गए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा ज्यादा कड़वा खिला दिया, थोड़ा मुंह खराब हो गया होगा, थोड़ा सा मीठा खिला दो। ये देखो है ना सबको। रवि नाम है, देखिए ऑप्शन बता रहे हो कि चार बता रहे हो। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चार चार होते हैं ना। इनमें चार चार कौन कौन सी है, ध्रुवा जिसको चुटकी बजाने का शब्द सशब्द है, संपा दाहिनी हाथ से आघात, ताल बाएं बाएं हाथ को ऊंचा करके आघात, और शनिपात दोनों हाथों से आघात। ये क्या है, सशब्द क्रिया के चार भाग है। निशब्द क्रिया के आवाप हाथ ऊपर उठा करके उंगलियां सिकोड़ना, निष्काम हथेली नीचे करके उंगलियां फैलाना, विक्षेप उर्ध मुख हथेली में फैली हुई उंगलियों वाला हाथ दाहिनी ओर से ले जाना, और प्रवेश हथेली अधोमुख कर उंगलियों को संकुचित करना। तो ये चार चार दोनों के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने सोचा है ऐसा, हो सकता है आपको ना लगे। पंडित किशन महाराज का इस वर्ष 2023 में कौन सा जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, 95, 95 या फिर 92, 100 या फिर 105। कौन सा जन्मदिन हम पर मनाने को जो है जा रहे हैं इस वर्ष, कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए किस किस का ये आंसर सही होता है। नेहा मैम गुड इवनिंग। बताइए भाई क्या आंसर होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर निगेटिविटी भावना आ रही हो कि सर हमें नहीं आ रहा है और ऐसे में तो हमें दिक्कत होगी, ऐसा कुछ लगे तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। एजुकेशन भी है अपने पास, वो भी ले आएंगे, मैटर अपने पास खूब है, मैटर की दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, और काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। तो इसका 100वां 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। इनका 23 सितंबर, 23 सितंबर या 9 सितंबर ऐसे कुछ याद, यानी सितंबर में, सितंबर जो है सितंबर में इनका जन्मदिन आएगा और वो 100वां होगा। यानी 1923 को जो है इनका जन्म हुआ था, तो और 2023 चल रही है। ऐसे मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा मुझे अच्छा, मुझे अच्छा लगा। हाँ 3 सितंबर या कुछ ऐसे, जी, हाँ ऐसे कुछ 23 या 3, मुझे तब ऐसे कुछ याद है, 3 सितंबर होगा तो इनका जन्मदिन होगा। और काफी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। तो इसका ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए लड्डू है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्रुपद के गांधीर्य की पूरी झलक देखने को मिलती है किसमें, जयपुर घराने में, किराना घराने में, ग्वालियर में या पटियाला।
मैंने तो सोचा मैंने लड्डू क्यों दिया है। इसमें बहुत सारे बच्चे आउट हो गए, ऐसे कैसे भाई? मुझे लगा था ये तो मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दे दूं। इसमें भी चले गए सब भाई। द्रुपद का संबंध देखिए, द्रुपद का किससे? दो ही घराने ऐसे हैं जिनका द्रुपद का संबंध है। किन किन से? एक तो आगरा घराने से, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? ग्वालियर। इसका तीसरा ऑप्शन सी होगा। द्रुपद का गंभीर जो है ग्वालियर घराने में देखने को मिलता है। कि जयपुर घराने। है ना? तो रवीना मैम, प्रवीण जी, काफी बच्चों ने साथ सही भी दिया है, लेकिन बहुत बच्चों ने गलत किया है। तो मैंने कहा ये तो होना नहीं चाहिए था। लौंग डांट की ताने, कुल्फीदार ताने। नहीं, ख्याल का मतलब द्रुपद का गांभीर्य ख्याल के साथ साथ उसमें द्रुपद का भी प्रभाव है, ऐसा नहीं। और जो मैंने बनाया है उसका मैं आप लोगों को रेफरेंस भेज दूंगा, अगर आपको किसी को चाहिए तो। इसका तीसरा ऑप्शन सी होगा। इसलिए मैंने पता इसमें जो है वो नहीं किया। घराना शब्द का प्रयोग किस काल का माना? जी घराना शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ था? प्राचीन काल, मध्य काल या फिर आधुनिक काल? इसमें भी काफी सारे बच्चे, क्या बहुत से बच्चे चले गए? बहुत क्या, सारे गए? क्या बात करते हो? देखिए घराना शब्द का प्रयोग जो है, मैं ये नहीं कह रहा घराने की उत्पत्ति का बोल, बहुत सारे बच्चे गुप्त काल बता रहे। गुप्त काल में क्या, घरानों की नींव पड़ी थी, लेकिन उस समय घरानों के नाम नहीं थे, ना ही घराने चलते थे भाई। मध्यकाल की बात की जाए तो मध्यकाल में तो वाणिया थी। मध्यकाल में क्या थी? वाणिया थी। घराने कहाँ थे? क्या कोई घराने? नहीं। आधुनिक काल में घराना शब्द का प्रयोग तो आधुनिक काल में हुआ है, 19वीं शताब्दी में हुआ है। घराने शब्द की जो बात की जा रही है, घरानों की, मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा घराना है आज के जो छह घराने या छह छह 12 घराने आप पढ़ते हैं, कोई ऐसा घराना है जो मध्यकाल में जिसका नाम चलता था? ग्वालियर घराना आया, जयपुर घराना आया, बनारस घराना, जो भी घराने हैं, क्या उनमें से कोई घराना ऐसा है जो मध्यकाल से 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी से कोई चला रहा हो? ऐसा कोई घराना आप लोगों को याद है? नहीं, मुझे जहां तक है नहीं है। तो घराने मैंने यहां पर, देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन का क्या है। नहीं, 18वीं के पहले नहीं था। देखिए घराना शब्द का प्रयोग, मैंने बोला घराना शब्द की बात हो रही है, घराना शब्द का प्रयोग हो रहा है यहां पर, घराने शब्द की बात। उससे पहले जो है अलग अलग क्षेत्र बन गए थे, लेकिन उन्होंने किसी का नाम या घराने शब्द के से संबोधित नहीं करते थे। घराने शब्द से संबोधित करने लगे थे 18वीं शताब्दी के बाद, यानी 1840-50 के बाद की माने, या 1830-40 माने 18 के बाद, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक काल। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। हाँ, घर प्लस आना, लेकिन हम तो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
आपने कहा था सर घरानों से क्वेश्चन नहीं लाए, आज घरानों से क्वेश्चन है, बताओ है कि नहीं। गोविंद राव राजरकर, गंगा प्रसाद पाठक तथा गोपीनाथ पंचाक्षरी का संबंध किस घराने से है? आगरा, ग्वालियर, बनारस, जयपुर। वाह क्या बात। मतलब सब कोई कैच आउट, कोई यानी कि कल जो है ना जयपुर में जो मैच था राजस्थान का और उनका, मुझे दूसरी टीम का पता नहीं है, लखनऊ का था शायद, ऐसा लग रहा है जैसे कल राजस्थान टीम का हाल आज यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी राजस्थान टीम का हाल हो रहा है। अरे भाई इसका होगा ग्वालियर घराना, जो दो ही बच्चों ने सही आंसर दिया, प्रवीण सर और रंगोली में दोनों ने आंसर सही दिया। ये जो गोविंद राव राजरकर, गंगा प्रसाद पाठक और गोपीनाथ पंचाक्षरी, ये जो है बाला साहब पूंछ वाले जो थे उनके उनके स्टूडेंट हैं, उनके शिष्य हैं ये सारे। किनके शिष्य हैं? बाला साहब पूंछ वाले जी उनके शिष्य हैं और ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। जी हाँ ख्याल गायक। ठीक है आगे चलें। अच्छा नेहा मैं आपका देख नहीं पाया था, आपका भी सही है क्या? देखते हैं। हाँ नेहा मैम ने भी ठीक दिया इसका आंसर। जी मैम चले आगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। संगीत दामोदर ग्रंथ के लेखक कौन है? हाँ राजा भैया पूंछ वाले इनके गुरु हैं, गुरु और राजा भैया पूंछ वाले के बेटे ही तो हैं ये, बाला बाला साहब। हाँ ऐसे कुछ है। बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा? वाह अब की बार मजा आ गया, सबका आंसर सही, शुभंकर। आदर सर, लेकिन वहां पर अपने को ऐसे चीटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा ना, यहाँ पर तो अपन सबका आंसर देख लिया। अरे यार सबका ये आंसर आया तो ये हो सकता है, इसलिए हमने सब संभावित आंसर दे दिया, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा शुभांकर, बिल्कुल सही है। रवीना मैम ने सबसे पहला आंसर दिया, वेरी गुड मैम, और सभी का आंसर सही था। तो इसका शुभांकर होगा। दामोदर मिश्र जो है इनके द्वारा संगीत दर्पण लिखा गया, कौन सा लिखा गया था? संगीत दर्पण। कोई दर्पण को देखा इसका, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे उसमें क्या नाम कहते हैं ना, मैदान में स्टेडियम में पहुंच ही नहीं रहे, पहुंचने से पहले पवेलियन वापस लौट रहे। संगीत रत्नाकर में पटा के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5, 3, 2, 7। ये तो बात होती है सर, क्वेश्चन तो देखना ही होगा ना।
हाँ निखिल सर नमस्कार सर। हाँ बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 97 का। अब आप लोग क्वेश्चन का नंबर नहीं लगाते और तीन बता रहे हैं। तीन क्या मतलब, तीन का कैसे पता चले, तीन नंबर बता रहे हो या तीन ऑप्शन बता रहे हो, कैसे पता चले। इसका सही आंसर करीब करीब सभी ने सही दिया है, इसका दो होगा। पटाखे के दो प्रकार बताए, कौन 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 से पटाखे के दो प्रकार कौन कौन से बताए। मार्ग पटाखे एक का नाम है, मार्ग पटाखे और दूसरा है देसी पटर। ठीक है वेरी गुड। सांग गायन शैली का संबंध किस राज्य से है, पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश। और 25 बच्चे लाइव हैं, केवल 15 बच्चों ने लाइव किया। अगर क्लास अच्छी लगती, क्या हुआ आदर सर, क्या आरपीएस वाला पेपर था ना सर, उसमें हमारे साथ यही था। हम सोच रहे थे अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आएगा, वो उससे भी अच्छा आ रहा था। हर बार क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन एक दूसरे से कहते ना अप होता जा रहा था। जैसे हम मंद्र स्वर मंद्र सप्तक से चलते हैं तार सप्तक। तो सांग गायन शैली का संबंध किससे है, हरियाणा से। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही दिया सभी ने, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है और सबके लिए ही लड्डू का काम करेगा। ये लो रायता पियो, जिनका मुंह खराब हो गया है। है ना, मुंह मीठा करो, मीठा रायता। बिल्कुल सही है। लो इसमें इसमें बूंदी और डाल लो। अगले में पेरू वाद्य होता है। हाँ अच्छा, तो ढूंढ लिया क्या, छेलबोर खेतों में ही काम कर रहा है क्या, उसको बोलो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा सामग्री मत खा जाना वहां। है ना, ये है मिठाई, पेरू वाद्य होता है, सुशील घन तत्व विधत। है ना, सबके लिए लड्डू जैसा है, बूंदी बूंदी डाल के खा रहे हो, मजा आ रहा है ना रायते में, ये तो अच्छा है ना।
इसके साथ सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं कि ये कुछ अगर नया सीखना है तो सर की क्लास ज्वाइन करें। और ये 7 बजे हमारी क्लास होती है, अगर आप ये ऑफलाइन ये क्लास देख रहे हैं तो ये हमारी शाम को 7 बजे क्लास होती है। और इस क्लास में आपको संगीत शास्त्र की गहन जानकारी दी जाती है, कोशिश ये रहता है। तो जिन्होंने भी बूंदी का रायता खाया उन सबके लिए सुशीर्वाद है। इसका पहला ऑप्शन सी होगा। देखिए सुशीर्वाद पेरू दिखाते हैं, पेरू आते कैसा। आया नहीं यार पेरू। ये तो अलग ही पेरू आ गया। हाँ ये तो डिश आ गई पेरू की। चलिए मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ ये भी हो सकता है, मैंने उसको सही नहीं डाला, फिर से देखते हैं। ये रहा, पता है इसमें क्या होता है, इसमें 5-7 बांसुरियां जो है वो एक साथ ऐड की जाती है। ये देखिए ये रहा ट्रेडिशनल। नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो और ही पेरू आ गया। मैंने अभी देखा था ये रही, ये भी नहीं। मैंने अभी देखा था और इस ये देखिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा था, ये देखिए पेरू ये होता है। इसमें देखिए बांसुरी जो है छोटी से लेकर के बड़ी तक होती है। और ये देखिए सेखू भी कहा जाता है, इसको सीखू भी कहा जाता है और पेरू भी कहा जाता है, ये बातें होती ठीक है ना। वाह, ज्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो उसका लिंक था, कॉपीराइट आ जाएगा जी, ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ यू भी कह सकते हैं ठीक है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो है नेट JRF KVS NVS सभी के लिए, चाहे आप अभी MPTET का मेन एग्जाम दे रहे हो, LT ग्रेड का, और यूपी में TGT PGT का, बिहार में म्यूजिक टीचर का जो वैकेंसी आए, उन सब की तैयारी हमारा प्रॉपर बैच, थ्योरिकल बैच, डिस्क्रिप्टिव बैच चालू हो चुका है। जिसको भी ज्वाइन करना हो फटाक से करें, क्योंकि फिर बाद में ये मुझे बोला सर इतना कोर्स निकल गया आप कैसे तैयारी करेंगे, वो फिर आप लोगों का वो है। इसलिए मैंने समय रहते ही आप लोगों का कोर्स स्टार्ट कर दिया, ताकि समय से तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा। बाद में जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे आप पे ही बर्डन पड़ेगा ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। हम देखिए बिहार का, बिहार में रवि प्रभाजी अभी आ रही है, 2043 पोस्ट। मैम देखिए वो जब आएंगे तो हंगामा होगा, ऐसा नहीं है, मुझे जहां तक है भरा जाए, सबके लिए सबको भरने को मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता ना।
सभी अगर ऐसा करेंगे तो फिर उनको बिहार वालों को सब जगह बैन कर देंगे। बिहार में तो कई सालों से वैकेंसी आई है, बाकी लोग फिर बाकी स्टेट वाले क्यों करेंगे, वो भी तो बिहार वालों को बैन कर देंगे ना, फिर बिहार वाले कहाँ जाएंगे। ये है तो ऐसा नहीं है, जब आएगी तब देखेंगे उसके लिए। ठीक है, सभी को बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, मिलते हैं फिर। और कल सुबह 7 बजे क्विज देना ना भूलें, क्विज सुबह मिलेगी आपको 7 बजे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपके कमेंट्स बॉक्स में दे दिया, जिनमें होंगे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हो सकते हैं आज वाले क्वेश्चंस में से हो सकते हैं या पिछले वाले में से हो सकते हैं, होंगे जो इवनिंग की क्लास है उनमें से ही 5 क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को दूंगा, वहां पे आपको देखना है उसका आंसर सही क्या। ठीक है, बाय बाय।